He's a travel photographer and one of the best travel photographer. So can you please tell my audience about you? Hello friends, I'm Nip. हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शशांक मोने एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एसएम ब्लॉग्स में। सो बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार कहीं जाना है, बस भाई आ रही थी कि कहीं जाना है, पता नहीं था कहाँ जाना है, बट सुबह पता लगा कि आज कॉलेज ऑफ है। सो सोचा कहीं ना कहीं चलते हैं, तो रूम पार्टनर भी मेरा रेडी हो गया एंड मैं भी रेडी हो गया हूँ, तो बस हम दो ही लोग जा रहे हैं। एंड आज पता अभी भी नहीं है कहाँ जा रहे हैं, बट देखते हैं कश्मीरी गेट जा करके पता लगेगा कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली। ओके सो वी आर ऑफिशियली लेफ्ट फ्रॉम एयर एंड आई डोंट नो फोकस में आ रहा है नहीं आ रहा है क्योंकि धूप भी है तो दिखाई नहीं दे रहा। सो या वी आर ऑफिशियली लेफ्ट एंड आई डोंट नो यार कहाँ जाना है क्या करना है सब चीज़। कश्मीरी गेट पहुँच करके देखते हैं। अभी तो भयंकर वाली गर्मी में इतनी ये जैकेट पहन रखी है, क्या करें मजबूरी है यार, बैग में जगह नहीं है तो कहाँ रखेंगे। चलो थैंक यू। ओके ऑल राइट, सो बस स्टैंड पहुंच गए हैं। बहुत टाइम लग गया यार बस स्टैंड पहुंचे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था रास्ते से, मुझे यार मेमोरी कार्ड और उठाना है तो इस वजह से टाइम लग गया, बट कोई नहीं। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जाना कहाँ है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग घर से निकल गए बट हमें पता नहीं कि कहाँ जाना है, मसूरी जाना है फिर शिमला जाना है। सो हम लोग वही डिसाइड कर रहे हैं एंड इस प्राणी का कुछ कहना नहीं है, बोलता है कि जहाँ भी पहले पहुँच जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे। सो आप अपने कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे, क्यों नहीं डिसाइड किया पहले, क्यों मैंने तुम्हें दो ऑप्शन दिए थे। अभी डिसाइड कर लिया शिमला जा रहे हैं। शिमला जा रहा है पक्का? बिल्कुल शिमला पक्का ना, 10 से 10:30 घंटे लगेंगे। देख लेंगे अभी 14 नंबर पे। और टिकट कितने की है? हाँ 380 रुपये की 14 में। तो टिकट कहाँ से, यहीं से होगी या फिर कहाँ से होगी, चाहे बस में ले लें चाहे यहाँ से ले लें? ठीक है अच्छा 14 नंबर पे चलना है हमें, 14 नंबर पे चलना। साले में 29 नंबर हम देख रहे थे तब से। तो भाई 14 नंबर पे जाना है एंड 400 रुपये की टिकट है, 380 रुपये की, क्या करना पता। और देहरादून वाली? देहरादून, अभी देहरादून का पूछा कहाँ बता, 400 रुपये की टिकट है, 400 सही है, चलते हैं शिमला चलते हैं। चल होगा देखा जाएगा, खर्चा ज़्यादा होगा देखा जाएगा। 14 नंबर आनंद, अबे आनंद विहार का दिखा रहा है ये तो, अबे आनंद विहार से क्या अबे ये क्यों करना क्या चाह रहे हैं। अरे चल नीचे चल के देखते हैं, डोंट नो लग रहा है। अबे सुने लग रहा है ये आनंद विहार जो कश्मीरी गेट बस अड्डे वाले भी नहीं चाहते हैं कि हम जाएं। इनको अबे यार मुश्किल से ज़िंदगी में साला पहली बार हमने कोई ट्रिप प्लान की है कि चलो हम अपने आप से हम जाएंगे बिना कुछ किए हुए, और उसमें भी ये लोग पंगे किए जा रहे हैं। लेट्स सी। ओके सो फाइनली हमें बस मिल गई एंड इसको अमित को बैठना था पीछे और मुझे बैठना था आगे। अमित को आगे बैठने से मोशन सिकनेस होती है एंड मुझे पीछे बैठने से मोशन सिकनेस होती है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि बीच में बैठेंगे, तो बीच में और भी ज़्यादा इसे मोशन सिकनेस होती है, तो इसने फाइनली एडजस्ट किया एंड ये आगे बैठा। फाइनली हम लोग शिमला जा रहे हैं, डिसाइड कर लिया। अरे भगवान इतना टाइम लगा, शर्म नहीं आती तुझे इतना टाइम लगा साले डिसाइड करने में। ओके सो अभी बस गर्मी लग रही है, जैकेट में बटा रात को काम देखी है। सो लेट्स गो एंड आई होप कि बहुत अच्छा जाएगा ये। या सो हम लोग 5 साल से हम लोग घर से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, साथ में रह रहे हैं 5 साल से रह रहे हैं एंड अभी तक का रिकॉर्ड है। लाइक बच्चे आते फर्स्ट ईयर में निकल के बाहर घूम गया, 5 दिन का रिकॉर्ड है, हमने साथ में कभी प्लान नहीं किया, कभी चला हॉस्टल से तो कभी नहीं किया, बट यहाँ बस जैसे टू आगरा बता दें, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम टू गो ऑन आर ऑन एक्सपेंस एंड सारा खर्चा हमें खुद ही उठा रहे हैं, कितना घर वालों को पता ना किसी को पता है। लेट्स सी। सो रेस्ट इज का खर्चा मैं उठा रहा हूँ, अपनी पहले सारे शकल देख ले, तू मेरा खर्चा उठा रहा है। रेस्ट इज यार चलते हैं बाकी का, अभी गर्मी लग रही है बहुत तेज से, देखते हैं कुछ ना कुछ आइडिया निकालता हूँ और ये बैग रखने की भी जुगाड़ देखता हूँ। आई थिंक 10 मिनट के अंदर निकलने वाले हैं, टाइम देखता हूँ क्या हुआ है। इट्स 6:27 एंड आने वाले टाइम में बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं, 10 मिनट में। वैसे 6:30 का टाइम है एंड वैसे भी इंडिया में कोई चीज़ टाइम पर नहीं चलती। सो Thank you.
ऑल लेट, सो अभी बस डिनर के लिए रुके हुए हैं, आई थिंक 10 से 15 मिनट रुकेंगे एंड राइड इज गोइंग वेरी स्मूथ एंड मजा आ रहा एंजॉय. अभी साले पक्के हाथ ला गई थी, सोने लगा था बीच में. भाई भाई तो यार बड़ा मज़ा आ रहा है सच्ची में. अभी यहाँ पे बारिश हुई है, आई होप कि स्नोफॉल मिल जाए हमें. लेट्स सी, अगर स्नोफॉल मिलती है तो ज़रूर बाइक रेंट करने की कोशिश करूँगा, और अगर नहीं मिली तो देखते हैं यार बाइक रेंट करेंगे नहीं करेंगे, वो बात की बात है. सो लेट्स गो, कुछ खाते हैं. ठीक है, तो एक काम कर दो, एक दाल फ्राई कर दो और 4 तंदूरी रोटी कर दो. दाल काफ़ी है. लुक एट दी रेट्स यार, इतने हाई रेट्स में तो साला कहीं नहीं मिलता है. मैं इतने ढाबाओं पे मैंने खाया, मैंने इतना ट्रैवल किया, मैं यूपी रोडवेज में सबसे ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया, बट इतना ज़्यादा महंगा नहीं मिला. कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है अभी. थैंक यू भैया, पानी और दे दो आगे बस. ओके, सो खाना आ गया है, लेट्स फिनिश दिस. लेट्स सी कैसा है कैसा नहीं है, बट ये देखो इसमें क्या हुआ है ना, भाई साहब ने बिना पूछे इन्होंने चालू कर दिया, बट यार लेट्स ईट सम. हाँ सही बात है यार, खाने का खाना खाने के लिए पूछना नहीं पड़ता है. चलो खाना खाने उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से. एंड वी आर डन विद द फूड, नॉट दैट गुड बट यार ठीक था. अभी रेस्टोरेंट में भी जैसे अभी यार ढाबे में जो खाना खाया था, माँ कसम दिमाग खराब हो गया. अभी तक इतना ट्रैवल किया, अभी तक का रिकॉर्ड है, मैंने किसी ने भी, मैंने कहा यार तुम्हें से किसी ने भी यार सैलेड के कभी पैसे, सैलेड वो भी क्या प्याज था केवल, प्याज के किसी ने पैसे साले 30 रुपये मांग रहा था. हाँ कोई बात नहीं यार, नए नए एक्सपीरियंस है लाइफ के, सोचा शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ में, तो बस शेयर कर दिए. चलो भैया टाइम हो लिया, भैया भैया की दुकान पे लगा रखा था यार फ़ोन चार्जिंग में. भाई साहब जरा अच्छा फ़ोन दे दो, चलूँ फिर मैं भी. कुछ भाई पीछे पीछे भी दोनों हैं. अरे नहीं कोई नहीं यार छोड़ो, क्या 10-5 रुपये लेने, 10 मिनट को फ़ोन चार्ज लगाने के. चलो शुक्रिया भाई साहब, चलो लेट्स गो लेट्स गो. ओके अपडेट, सो वी हैव जस्ट रीच्ड चंडीगढ़ एंड बहुत ज़्यादा स्लीपी सा लग रहा हूँ यार, क्यों सो रहा था एंड इसकी वजह से मेरी पूरी गर्दन कर दी, बहुत तेज दर्द कर रहा है पूरा एकदम. बैग में पहले से ही दर्द हो रखा था बट फिर भी अभी भी दर्द हो रहा है एंड स्लीपी सा तो हुई. ओके ऑल राइट गाइस, सो अभी रास्ते में बस में बराबर भाई बैठे थे एंड ही इज़ अ ट्रैवल फोटोग्राफर एंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल फोटोग्राफर. सो कैन यू प्लीज टेल माय ऑडियंस अबाउट यू. फ्रेंड्स हमने मेट निगम एंड मोस्टली इट्स लाइक मिल्की वे गैलेक्सीज एंड स्टफ, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम निमित निगम. I will give his Instagram details in description and I think screen पे भी आ रहा होगा, so you can follow him and भाई ने बड़ा अच्छा अच्छा काम किया है. Instagram profile चेक करके देखना, सब चीज़ मिल जाएगा, बहुत सही काम किया है. And traveling का यही फ़ायदा है कि यार पता नहीं लगता कब कहाँ कौन मिल जाए and this is the best thing. Okay guys, so पहुँच गए हैं and होटल भी हो गया है, बस थोड़ा सा बजट का कंसर्न पड़ा था बट कोई नहीं कर लिया यार. आप घूमने के लिए आए तो बजट को देखते हुए फिर होता है, ज़्यादा ही ठंड है. ठंड कुछ ज़्यादा ही है और इसलिए भाई साहब ने, मैंने इन्हें बोला था कि यार इनर लाइनर्स लेकर के चलो, लाइनर्स पहन लो वो ज़्यादा बेटर है, लेकर के चलो चाहे पहन लो, बट ना लेकर के आए हैं ना पहन के आए हैं. अब ठंड लग रही है, कुछ बोलना चाहोगे अमित? अभी कुछ नहीं बोलना, चलो चलते. तो यार अच्छा यार, अभी तो घूमते हैं, अभी पहले होटल पहुंचते क्योंकि ठंड बहुत है. पहले होटल के अंदर चेक इन करते हैं, देन आफ्टर देखते हैं कुछ ना कुछ क्या है, थोड़ी देर आराम करेंगे. अभी टाइम तो बहुत टाइम क्या हुआ है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ, आई थिंक 5 भी नहीं बजे होंगे. कितना 5 बजा है, 4:58 हुआ, 4:58 हुआ है, तो अभी
हाँ कुल्फी से जब रे बहुत कसम मुझे टेम्परेचर देखने दो अगर दिखाता है तो चलो भाई कितना हुआ टेम्परेचर गॉड चलो सर ओ फक इट्स 4 degrees गाइस सच्ची में इट्स 4 degrees फ्रीजिंग कोल्ड एंड हवा भी चल रही है साथ में सो पूरा हाथ ही कपड़ा है लॉक खोलने की पूरी कोशिश जारी है अमित शर्मा क्या आज आप लॉक खोल पाएंगे बताइए हाँ 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 भैया नहीं खोल रहा एक बार जरा आप भी ट्राई करके देखिए देखिए भैया कैसा लॉक था यहाँ पर सारी कोशिशें नाकाम होती हुई और ये कटवाने के बाद में हम लोग रूम के अंदर आ गए हैं अमित शर्मा आपको कटवाने के बाद में कैसा फील हो रहा है अच्छा महसूस हो रहा है ये पहला इंसान है जो अपना कटवाने के बाद में जिसको अच्छा महसूस कटा तो तेरा भी है साथ में नहीं तो मुझे तो बुरा फील हो रहा है ना तुझे अच्छा फील हो रहा है तुम्हें क्या फील हो रहा है भाई बुरा फील हो रहा है एक्सप्रेस कर अब एक्सप्रेस क्या करें अब हो गया तो हो गया स्पेशल नहीं दिखा सकते ना अब हो गया तो हो गया बट कोई बात नहीं यार फर्स्ट टाइम है आगे से और जगह मतलब शिमला में यार फर्स्ट टाइम है तो लाइक डोंट नो कि कहाँ कैसा क्या हिसाब किताब है बट यार जो भी है जो भी है कट गया हमारा कट गया है और कुछ नहीं बट हाँ क्यों हमें अभी जैसे अभी हमने एंट्री की तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हाँ कटा है हमारा कॉस्टली पड़ा है थोड़ा सा हाँ कॉस्टली तो पड़ा है यार क्योंकि लाइक 4,500 में इन्होंने दिया है हमें ये होटल का रूम है हो गई कर लिया खुश हो गया हुआ 4,500 में उन्होंने पूरा पैकेज दिया है कि लाइक होटल का रूम देख लो पहले आप लोग ये ऐसा कुछ रूम है पूरा आपका ये डबल बेड है एक दो चेयर है और वही कुछ नहीं भसड़ा है फालतू की बाकी का वॉशरूम तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा देखूँ जरा हाँ थोड़ा डिसेंट सा है कोई दिक्कत नहीं है सही है यार जो भी है रेस्ट इसकी इन्होंने साथ में एक हमें पूरे दिन घूमने के लिए एक गाड़ी दी है पर्सनल गाड़ी दी है सो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट बन गया कि चलो ठीक है यार पैदल भटकने से अच्छा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक कुछ जहाँ जिस एरिया के बारे में तुम्हें अगर कोई आइडिया ना हो कि वो एरिया कैसा क्या है तो वहाँ पर यार ज़रूरी नहीं रहता कि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो क्योंकि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है जब वहाँ के बारे में तो या बाकी का इन्होंने कुछ आइटनरी भी दी है जो पता नहीं यार कौन सी जगह है वो जरा बिल निकल लियो कौन कौन सी जगह है वो आइटनरी में इन्होंने हमें दिया ये टूर तो अभी हम पहले ग्रीन वैली जाएंगे फिर जाएंगे वाइल्ड फ्लावर हॉल उसके बाद में चीनी बंगलो उसके बाद में कुफरी जो जहाँ पे कुफरी रिज है वो मेन चीज़ है क्योंकि कुफरी रिज जो है वो मेन जगह है घूमने के लिए क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल और सारा काफ़ी अच्छा वो रहता है पूरा अगर आप कुफरी रिज अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि पूरा स्नोफॉल से अभी ढका हुआ है एंड अभी 4 degrees तो स्नो की तो पूरी उम्मीद है होटल वालों से भी पूछा था और जो बंदे हैं जिसने जो टूरिस्ट गाइड है उससे पूछा तो ही वाज लाइक कि हाँ सर पूरा है हमारे पास में जो स्नोफॉल वाला एरिया है वो सारा का सारा कवर होगा तो आई होप कि यार नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को अच्छा और अच्छा कुछ देखने को मिलेगा एंड इसके अलावा हाँ वही जाएंगे पीक जो हॉर्स राइडिंग वगैरह वाला जो एरिया रहता है और होटल लिया है हम लोगों ने माल रोड पे जो काफ़ी फेमस है शिमला का माल रोड बहुत ज़्यादा फेमस है एज यू ऑल नो सो माल रोड पे लिया है होटल तो आई डोंट नो उसी वजह से क्या पता थोड़ा सा महंगा पड़ा हो बट कोई बात नहीं आज के लिए बस यार इतना ही रखते हैं बहुत हो गया सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट बट अगर इसको एन्जॉय नहीं किया कोई बात नहीं जो इसके नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग आएगा वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्यों उसमें पूरा जो शिमला हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एंड अभी 2 दिन का स्टे है तो आराम से एक्सप्लोर करेंगे जो भी है सब चीज़ दिखाएंगे रेस्ट इज सी यू नेक्स्ट ब्लॉग यार बाय बाय थैंक यू सो मच